नमस्कार, स्वागत है आपका उर्सा विजन टीवी में। मैं हूं नेहा। खबरों को देखने से पहले देखेंगे हेडलाइंस। जापान में तूफान से तबाही, मरने वालों की तादाद 10 हुई। कंसार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 3000 यात्री फंसे। पाकिस्तान के 13वें राष्ट्रपति चुने गए इमरान के करीबी आरिफ अलवी। कश्मीर में कठुआ जैसे वारदात, 9 साल की बच्ची से गैंगरेप, आंख निकाली, एसिड डालकर दफनाया। अब खबरें विस्तार से। जापान में जेबी तूफान ने भारी तबाही मचाई है। यह जापान में 25 साल का सबसे शक्तिशाली तूफान है। मंगलवार से अब तक मरने वालों की तादाद 10 हो गई है। 12 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा गया है। कंसाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नरवे पर पानी भरने से उड़ानें बंद है। कंसाई में तेज हवाओं से मकानों की छतें उड़ गई और पुलों पर खड़े ट्रक पलट गए। ओसाका खाड़ी में कंसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जोड़ने वाले पुल टूटने से करीब 3000 यात्री फंस गए हैं। पाकिस्तान इमरान के करीबी सहयोगी और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्टी के संस्थापक सदस्य में शामिल डॉक्टर आरिफ अलवी को मंगलवार को पाकिस्तान का नया राष्ट्रपति चुना गया है। डेंटिस्ट रह चुके आरिफ अलवी पाकिस्तान के 13वें राष्ट्रपति बन गए हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला में कंठुआ गैंगरेप हत्या जैसे मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक 14 साल के सौतेले भाई ने अपनी मां की सह पर 3 दोस्तों के साथ मिलकर लड़की से गैंगरेप किया। बाद में उसकी आंखें निकाल ली गई और एसिड से जलाकर अपने घर से नजदीकी जंगल में दफन कर दिया। पुलिस के मुताबिक लड़की 23 अगस्त से लापता थी। उसके पिता ने थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। लड़की का मिट्टी हो चुका शव रविवार को जमीन से निकाला गया। जांच में पता चला कि लड़की को चाकू की नोक पर अगवा कर उससे सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। चाकू सौतेली माँ के हाथ में था। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। डोभाल ने मंगलवार को कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए अलग संविधान होना संभवतः एक भूल थी। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि संप्रभुता से कभी समझौता नहीं किया जा सकता। डोभाल ने कश्मीर पर यह टिप्पणी ऐसे समय पर की है जब उच्चतम न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 35(a) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। अनुच्छेद 35(a) के तहत जम्मू कश्मीर के स्थानीय निवासियों को खास तरह के अधिकार और कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम में संशोधन को लेकर देश में कुछ हिस्सों में चल रहे विरोध के बीच राजस्थान से भाजपा के राज्यसभा सदस्य हर्षवर्धन सिंह डूंगरपुर ने कहा कि सांसद द्वारा इस कानून में हाल ही में किए गए संशोधन से समाज का एक बड़ा तबका थोड़ा नाराज है। उन्होंने साथ ही आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा की मांग की है। खबरों को समाप्त करने से पहले देखेंगे हेडलाइंस। जापान में तूफान से तबाही, मरने वालों की तादाद 10 हुई। कंसार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 3000 यात्री फंसे। पाकिस्तान के 13वें राष्ट्रपति चुने गए इमरान के करीबी आरिफ अलवी। कश्मीर में कठुआ जैसे वारदात, 9 साल की बच्ची से गैंगरेप, आंख निकाली, एसिड डालकर दफनाया। समाचार यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।